पिछले वीडियो में बेटा हमने पढ़ा हुआ था बीजांड के बारे में, जिसमें हमने जाना था बीजांड की सारी संरचना के बारे में। आज हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो साथ में लगे रहिएगा। आज हम क्या क्या पॉइंट समझने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु बीजाणु, यानी कि किस प्रकार से भ्रूणकोश की संरचना होती है और भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है, और साथ ही साथ पिछले वीडियो का एक बचा हुआ पॉइंट है जो है हमारा बीजांडों के प्रकार, उनकी हम पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बीजांड की संरचना, एक बार सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं कि बीजांड कैसा होता है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि बीजांड के इधर इस वाले भाग को हम क्या कहते थे, इस वाले भाग को कहते थे निभाग या निभागी क्षेत्र। तो यहाँ पे तीन कोशिकाएं पाई जाती थी, इन कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते थे, इन्हें जानते थे बेटा हम प्रतिमुख कोशिका। इन कोशिकाओं को हम कहते थे प्रतिमुख कोशिका, जबकि दो कोशिकाएं नीचे छोटी इस वाले भाग को हम क्या भाग कहते थे, इसे हम कहते थे बीजांड द्वारी भाग या बीजांड द्वार, इधर होता था, ठीक है। इस कोशिका को हम क्या कहते थे, इस कोशिका को कहते थे हम सहायक कोशिका, जबकि इस कोशिका को हम क्या कहते थे, अंड कोशिका के नाम से हम जानते थे। ये तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यही अंड कोशिका युग्मक के साथ मिलके है ना भ्रूण कोश का निर्माण करती है, और केंद्रक में पाया जाता है आपका दो ध्रुव केंद्रक, इस बीच में पाया जाता है दो ध्रुव केंद्रक, ठीक है। इतना हमने पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में सारी चीजें। तो आज हम समझने वाले हैं बीजांड के प्रकार, है ना, आवरण के आधार पे बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजांड आप देखोगे, बीजांड तीन तरीके के होंगे, है ना। पहला, कैसे समझेंगे इन आवरणों को, तो हम यहां समझ लेते हैं पॉइंट करके। नंबर एक, पहला एक आवरण या एक अध्यावरण आवरण, है ना, मतलब ऐसे पौधे जिनमें एक ही आवरण पाया जाए, एक अध्यावरणीय, एक अध्यावरणीय। इसका मीन क्या होता है वो समझेंगे, है ना। जब बीजांड के बाहर केवल एक ही आवरण पाया जाए, ये संरचना हमने ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था, अगर एक आवरण पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। जब किसी बीजांड के बाहर एक आवरण पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक अध्यावरणी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है बेटा सूरजमुखी और गेंदा में, सूरजमुखी और गेंदा में, है ना। तो दूसरा पॉइंट समझते हैं, हम समझ रहे हैं बीजांड की संरचना किसके आधार पे समझ रहे हैं, आवरण के आधार पे। हमने बीजांड की संरचना देखा था कि बीजांड के बाहर दो आवरण पाए जाते हैं, है ना, जिसे हम अध्यावरण के नाम से जानते थे। इसके बाद जहां पे बीजांड बीजांड वृंत और अध्यावरण नहीं होते थे, उस भाग को हम केंद्रिका के नाम से जानते थे, वहां पे जो खाली वाला स्थान था उसे हम निभाग के नाम से जानते थे। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीजें विशेष तरीके से समझा हुआ है, तो आज हमें यही समझना है बीजांड के प्रकार। तो पहला प्रकार हमने समझा एक अध्यावरणी, जब बीजांड के बाहर केवल एक आवरण पाया जाएगा उसे हम कहेंगे एक अध्यावरणीय बीजांड। एग्जाम्पल की बात करें कि किन पौधों में पाया जाता है इस प्रकार का एक अध्यावरण, तो वो पाया जाता है सूरजमुखी और गेंदा में। जबकि दूसरे की बात करें तो उसे हम कहेंगे द्विअध्यावरणीय, द्विअध्यावरणीय। द्विअध्यावरणीय का मतलब कि जब किसी बीजांड के बाहर दो आवरण पाया जाए या दो से अधिक आवरण पाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विअध्यावरणी। जितने भी पुष्पी पादप हैं, है ना, जितने भी पुष्पीय पादप हैं उनमें सब में पाया जाता है। सभी पुष्पी पादप क्या होते हैं भाई, जिन पौधों में फूल लगते हैं, जिन पौधों में फूल लगते हैं उन सब पौधों में पाया जाता है क्या अध्यावरण, कौन सा, द्विअध्यावरण। उनके बीजांड के बाहर जो अध्यावरण का आवरण होता है वो दो होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब तीसरा है भाई, तीसरा है हमारा अध्यावरण विहीन, तीसरा है अध्यावरण
विहीन, नाम से ही लग रहा होगा अध्यावरण विहीन का मतलब क्या होगा, है ना, कि जब बीजांड के बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाए, यानी कि जब किसी पौधे या ऐसा पौधा जिसके बीजांड के बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, अध्यावरण विहीन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है गुल मेहंदी, इसका एग्जाम्पल है बेटा गुल मेहंदी, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका चंदन, जिसकी लकड़ी बड़ी महंगी मिलती है आप जानते ही हैं इसके बारे में, है ना। तो ये था आपका आवरण के आधार पे बीजांड, जिसमें हमने तीनों प्रकार इसके पढ़ लिए। पहला हमारा था एक अध्यावरण, जिसके अंतर्गत आपका सूरजमुखी, और देखिए ये पॉइंट जरूर समझिएगा, ये किसके आधार पे है, तो ये आवरण के आधार पे। हाँ, अगर ये पूछे किस आवरण के आधार पे, तो अध्यावरण आवरण के आधार पे बीजांड कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं। मतलब बीजांड के बाहर पाए जाने वाले आवरण, जिसको हम अध्यावरण के नाम से जानते हैं, इसके आधार पे बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक अध्यावरणी, यानी कि जिस बीजांड के बाहर एक आवरण पाया गया वो एक अध्यावरणी। एग्जाम्पल की बात करें तो सूरजमुखी गेंदा, जबकि द्वि अध्यावरणी की बात करें तो जिस पादप के बाहर, जिस बीजांड के बाहर क्या पाया जाए, दो आवरण पाया जाए, उसे कहेंगे क्या हम, उसे कहेंगे द्वि अध्यावरणी। जबकि तीसरा है वो क्या है, जिस बीजांड के बाहर एक भी आवरण नहीं पाया जाएगा उसे हम कहेंगे क्या, उसे कहेंगे अध्यावरण विहीन। एग्जाम्पल की बात करें तो गुलमेहंदी और चंदन। तो ये था आपका बीजांड के आधार पे प्रकार, जो कि पिछले वीडियो का छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ था, इसे हमने कवर किया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भ्रूणकोश, जिसे हम समझते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करें। अब हम समझते हैं बेटा भ्रूणकोश के बारे में, क्या होता है भ्रूणकोश, कैसे होता है भ्रूणकोश का निर्माण, है ना। तो देखिए भ्रूणकोश का निर्माण तो आपको यहां मिलेगा जब उसका विकास हम समझेंगे। फिलहाल भ्रूणकोश के बारे में जाने तो हम जानते हैं कि एक बीजांड के अंदर, ध्यान से देखिएगा, एक बीजांड के अंदर तीन टोटल कितनी कोशिकाएं होती हैं भाई, पूछा जाता है कि बीजांड की खासियत बताइए। तो बीजांड क्या होता है, बीजांड होता है सात कोशिकीय, बीजांड एक सात कोशिकीय और आठ केंद्रकीय संरचना है, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। बीजांड सात कोशिकीय और आठ केंद्रकीय संरचना होती है। ये हम भ्रूणकोश में इस पॉइंट को समझ रहे हैं, जिसमें से इस कोशिका को हम जानते हैं प्रतिमुख कोशिका के नाम से, प्रतिमुख कोशिका, जबकि इसको हम कहते हैं दो ध्रुव केंद्रक, इसे हम कहते हैं बेटा सहायक कोशिका, इसे कहते हैं सहायक कोशिका, जबकि इस कोशिका को जो बड़ी वाली, जो आकार में बड़ी होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं अंड कोशिका के नाम से। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझिएगा कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलके एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका भ्रूणकोश के बारे में एक जानकारी, है ना, कि जिसमें क्या एक बीजांड के अंदर तीन कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो इस क्षेत्र को हम जानते हैं बेटा निभाग क्षेत्र, और इस नीचे वाले क्षेत्र को हम जानते हैं बीजांड द्वार क्षेत्र, बीजांड द्वार क्षेत्र। तो ये था आपका भ्रूणकोश के बारे में। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से भ्रूणकोश का विकास होता है, किस प्रकार से ये तीन कोशिकाएं बनती हैं, किस प्रकार से ये कोशिका, किस प्रकार से दो ध्रुव केंद्रक बनता है। तो देखते हैं होता क्या है कि अब हम समझेंगे भ्रूणकोश का विकास। एक बीजांड के अंदर
ठीक है, भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास, ठीक है। तो देखिए, एक एक सक्रिय गुरु बीजाणु, एक सक्रिय गुरु बीजाणु जब एक परिपक्व सक्रिय गुरु बीजाणु क्या हो जाता है, जब एक गुरु बीजाणु क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो देखिए, एक सक्रिय गुरु बीजाणु जब वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, विभाजित हो जाता है, मतलब वो कोशिका विभाजन नहीं, वो क्या हो जाता है, विभाजित, उसमें लगातार क्या होता है, विभाजन होता है। एक सक्रिय गुरु बीजाणु में लगातार क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिसमें टोटल कितनी कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें टोटल कोशिकाएं बनती हैं बेटा 8, जिसमें टोटल कोशिकाएं कितनी बनती हैं 8, जिसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं निभाग वाले क्षेत्र में, और 4 कोशिकाएं बनती हैं कहां पे, जिसमें से 4 कोशिकाएं बनती हैं बेटा बीजांड द्वार वाले भाग में। पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि एक सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, कैसे आगे चल के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, कैसे भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और कैसे भ्रूण का निर्माण, और कैसे भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यह पॉइंट आपका यही क्लियर हो जाना है। होता क्या है कि एक सक्रिय चल बीजाणु, एक सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, विभाजित होके 8 कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें से 4 कोशिका हो जाती हैं निभाग क्षेत्र में, जिसमें से 4 कोशिका हो जाती है निभाग क्षेत्र में, और 4 कोशिकाएं हो जाती हैं बीजांड द्वार वाले क्षेत्र में। हालांकि बार बार हम ये चीज देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको निभाग व बीजांड द्वार में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 4 कोशिकाएं बन गई निभाग के क्षेत्र में, 4 कोशिकाएं बन गई बीजांड द्वार के क्षेत्र में। अभी कहेंगे कि ये तो केंद्रक कहां गया, तो ये जो 2 कोशिकाएं हैं किनारे की, ये 2 कोशिकाएं, ये दोनों कोशिकाएं आती हैं कहां पे, मध्य भाग में आती हैं, और ये दोनों आके एक एक संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, 2 ध्रुव केंद्रक के नाम से जानते हैं, 2 ध्रुव केंद्रक। अब देखिए, हमने यहां समझा था कि जो कोश, जो केंद्रक होता है उसमें कितने, जो ये 2 ध्रुव होता है इसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2, तो कहां से ये 2 केंद्रक आए, तो देखिए हर कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक होगा, हर कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक होगा, तो जब ये कोशिका यहां आएगी और ये कोशिका यहां आएगी, स्थान बदल के आएगी, तो एक केंद्रक इस कोशिका का और दूसरा केंद्रक इस कोशिका का मिलके क्या बन गया, 2 ध्रुव केंद्रक बन गया। अब यहां की बची हुई जो 3 कोशिकाएं हैं, यहां की जो बची हुई 3 कोशिकाएं हैं, वो कहलाएंगी प्रतिमुख कोशिका। वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी प्रतिमुख। ये जो ऊपर की 3 कोशिकाएं अब बची ना, यहां से एक कोशिका आके केंद्रक का निर्माण कर ली, अब ये जो 3 कोशिकाएं बची हैं, ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी बेटा प्रतिमुख कोशिका। और यहां नीचे, यहां से एक कोशिका चली गई, तो ये बीच में बन गया आपका 2 ध्रुव केंद्रक, और धीरे धीरे ये जो बीच वाली कोशिका होती है, ये क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, जो किस नाम से जानी जाती है, जो जानी जाती है अंड कोशिका के नाम से। और वो इसके नीचे की जो 2 संरचनाएं हैं, 2 कोशिकाएं हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, जिसे हम जानते हैं सहायक कोशिका के नाम से। आगे हम समझेंगे परागण के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि जब परागण हो जाता है, जब परागण हो जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने जान लिया ना भ्रूणकोश का विकास कैसे हुआ, कि एक चल बीजाणु, एक सक्रिय चल बीजाणु आगे विभाजित होकर 8 कोशिका का निर्माण करेगा, जिसमें 4 कोशिकाएं निभाग की तरफ, और 4 कोशिकाएं कहां हो जाएंगी भाई, 4 कोशिकाएं हो जाएंगी बीजांड द्वार की तरफ,
है ना, आगे धीरे धीरे इनमें क्या होगा, धीरे धीरे विकास होता जाएगा। तो यहाँ की तीन कोशिकाएं अपनी जगह रहती है, एक कोशिका आ जाती है बीच केंद्र में, और यहां से एक कोशिका, चार चार कोशिकाओं में से एक कोशिका मिलके दो ध्रुव केंद्रक का निर्माण कर देती है। इसीलिए केंद्रक में दो है ना, दो ध्रुव केंद्रक में दो केंद्रक पाया जाता है। पूछा जाता है बीजांड के बारे में बताओ, तो आप तुरंत बता देना इसमें टोटल कोशिकाएं कितनी है, 7, लेकिन केंद्रक कितने हैं, 8। ठीक है, तो आगे समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो अभी हमने इसके बारे में समझ लिया, चार कोशिका इधर, चार कोशिका इधर, ये मिलके दो ध्रुव केंद्रक, ये बढ़ जाती है आकार में, और ये सहायक कोशिका और प्रतिबिंब कोशिका। आगे जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तो ये जो दोनों नीचे की कोशिकाएं हैं ना, ये नष्ट हो जाती है, ये प्रतिमुख नष्ट हो जाती है, अंड कोशिका बन जाती है बीज, और भ्रूण ये बन जाता है भ्रूणपोष। कैसे बनता है देखते हैं। तो देखिए, ये मान लेते हैं भाई ये हो गया हमारा पुष्प का भाग, यानी कि ये हो गया वर्तिकाग्र, क्योंकि हम बीजांड पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा होता है भाई बीजांड। ठीक है, ये हो गया हमारा बीजांड। अभी देखते हैं ध्यान से थोड़ा सा, अब परागण, परागण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि अगला वीडियो परागण का ही है। तो पराग कोष से, अब यहां बना लेते हैं, मान लेते हैं पराग कोष, यही पराग कोष से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यहां से परागकण का यहां वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, परपरागण, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि कैसे निर्माण होता है। तो बेटा देखो, यहां से क्या होगा, परागकण उड़कर जाएगा वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र पर के ऊपर पाया जाता है एक विशेष प्रकार का रसायन, जिसकी वजह से यह परागकण फूल जाता है और अंकुरित हो जाता है। अब जब ये अंकुरित हो जाएगा तो यहां निर्माण होगा एक नली का, जिस नली का नाम क्या है, पराग नली। इस नली को किस नाम से जाना जाता है बेटा, इस नली को जाना जाता है पराग नली। अब देखो, अब यहां आपको समझ में आ जाएगा कि नर जो परागकण होता है वो नर युग्मक नहीं होता, वो नर युग्मकोद्भिद होता है। कैसे होता है, तो देखिए, अब एक चीज याद रखना कि परागकण कभी भी बीजांड तक नहीं जाता, यहां पे जाके ये अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने के बाद ये जो पराग नली है ना, इसके अंदर से भाई जैसे गेहूं वगैरह हो जाता है, ये देखो गेहूं अंकुरित हो गया तो गेहूं नहीं ना बाहर आता है, ये अंकुरण इसका बाहर आता है ना, उसी प्रकार से यहां जब परागकण क्या होता है, अंकुरित होता है, तो अंकुरण जब जो भाग इसका अंकुर वाला होता है, जो इसका एक तना निकलता है, वो इस नली के अंदर से होते हुए कहां आता है, बीजांड में प्रवेश करता है। तो जहां से प्रवेश करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बीजांड द्वार। बात समझ में आई। अभी देखो, अब यहां पे ये प्रवेश कर जाएगा, अब मान लो इस संरचना को यहां से समझाएं। अब देखिए, ये पराग नलिका आ गई और आके यहां पे क्या कर गई, प्रवेश। देखिए, ये पराग नलिका आई, ये बीजांड में आके प्रवेश हो गया। अभी देखिए, जब ये बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड में प्रवेश करेगी, तो सबसे पहले किससे मिलेगी, अंड कोशिका से। अब देखो यहां समझिए, तो यहां पे जब अंकुरण हो जाएगा ना बेटा, यहां तक जब ये पहुंचेगा ना, तो यहां जब ये पराग नली में एक क्या होता है, ये पराग नली में जो परागकण होता है वो दो नर युग्मक छोड़ता है। पॉइंट समझिएगा, क्या करेगा ये यहां पे परागकण था वो अंकुरित हुआ, और ये पराग नली से जब अंकुरण गुजरता है तो यहां पे दो नर युग्मक छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं भाई, दो नर युग्मक छोड़े जाते हैं। यहां देखो, फटाफट देखो, यहां पे मान लो यहां दो नर युग्मक छोड़ दिया गया बेटा। अभी एक नर युग्मक भाग के कहां आएगा, एक मिल जाएगा किससे, अंड कोशिका से मिलेगा। तो देखो, नर युग्मक एक नर युग्मक भाई दो बना ना, नर युग्मक एक ठो यहां से नर युग्मक आके मिलेगा कहां से, अंड कोशिका से मिलेगा, और दूसरा चला जाएगा कहां, दो ध्रुव केंद्रक की तरफ। तो यहां देखो, अभी ये क्या हुआ, यहां से आया अंड कोशिका से मिला, तो नर युग्मक प्लस अंड कोशिका मिलके क्या बनाते हैं बेटा, बनाते हैं बाबू भ्रूण। क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। अगला टॉपिक देखो, एक नर युग्मक का काम तमाम हुआ, अभी ये जो दूसरा वाला नर युग्मक होगा वो भाग के कहां जाएगा, दो ध्रुव केंद्रक से मिलेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे नर युग्मक प्लस क्या है, दो ध्रुव केंद्रक। नर युग्मक और दो ध्रुव केंद्रक मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बेटा भ्रूणपोष। क्या बनाते हैं,
यानी कि यहाँ पे नर युग्मक आके मिला, तो यही आगे चल के जो हमारा अंड उपकरण है, यही आगे चल के क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। और ये हमारा जो है ये बन जाता है बेटा भ्रूणपोष। क्या बन जाता है? भ्रूणपोष बन जाता है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, तो भ्रूण आगे चल के विकसित होता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, एक सवाल आएगा कि भ्रूणपोष का काम क्या होता है, तो नाम से ही लग रहा है भ्रूणपोष, मतलब भ्रूण को क्या करेगा? पोषण देगा। क्या करेगा? भ्रूण को पोषण देगा। अगले अध्याय में आप देखोगे कि कुछ पौधों में जो भ्रूण होता है, भ्रूणपोष होता है, वो लास्ट तक बचा रहता है। मैं समझा रहा हूं, आप समझिए पहले। हाँ, तो भ्रूण क्या होगा? वो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। और दो ध्रुव केंद्र किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये इसको पोषण देते देते क्या करता है, देखिए। अब यहां बन जाएगा भ्रूण और ये क्या बन जाएगा? भ्रूणपोष। भ्रूण भ्रूणपोष, भ्रूण भ्रूणपोष, है ना। अब ये प्रोसेस लगातार चलता है, लेकिन ये इसे क्या करता है? भोजन देते देते ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे नारियल, समझ रहे हैं, जिनमें ये भ्रूणपोष बचा रह जाता है। जैसे आप जो जिसको कहते हैं गरी में खा रहा हूं, वो एक्चुअल में क्या है? वो भ्रूणपोष ही है। जो आप खाते हैं वो क्या है? भ्रूणपोष, है ना। वो भ्रूणपोष जो गरी जिसको कहते हैं कि गरी खा रहा हूं, वो गरी वास्तव में क्या है? नारियल का भ्रूणपोष है, समझ रहे हैं। वो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज बनने के बाद भी भ्रूणपोष बचा रह जाता है, लेकिन ज्यादातर पौधों में क्या होता है कि जब ये भ्रूण बीज में परिवर्तित होता है, तब तक भ्रूणपोष क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मतलब इसका पूरा इस्तेमाल कर लिया जाता है। भ्रूणपोष में क्या होता है? खाना, भोज्य पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। तो जब ये भ्रूण क्या करता है? बीज में बनता है, तो उन पदार्थों का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन कुछ में बचा रह जाता है, जैसे नारियल वगैरह में बचा रह जाता है। बातें समझ में आई ना? तो ये था बेटा आपका क्या, है ना। तो अब ये देखिए, बीज का निर्माण हो गया। अब ये जो अंडाशय है ना बेटा, ये जो अंडाशय है, ये बन जाता है आपका फल, समझ रहे हैं। ये जो अंडाशय है, अब भाई देखिए, यहां से परागकण आया, यहां पे मिला, यहां बना भ्रूण, यहां बना भ्रूणकोष, भ्रूणकोष और बीज दोनों तो बन गए। अब ये बचा अंडाशय, तो अंडाशय रस से भर जाता है और बन जाता है फल, और फल के अंदर अब ये है बीज, और यहां पे है आपका भ्रूणकोष, भ्रूणपोष, और ये भ्रूणपोष क्या करेगा? ये भ्रूणपोष इसे पोषण देगा, और ये वाला बाहर का जो संरचना, ये फल बन जाएगा। आप फल खाओगे और बीज को क्या करोगे? फेंक दोगे, एक नया पौधा बन जाएगा। बात समझ में आई? या फिर आप उसकी बुवाई कर देंगे तो भी एक नया पौधा बन जाएगा। तो ये था आपका भ्रूणकोष, और भ्रूणकोष का विकास किस प्रकार से होता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, खत्म। अगले वीडियो में हम जानेंगे परागण के बारे में, साथ ही साथ परागण की कितनी विधियां हैं, ये सारी चीजें विस्तार से पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।